मीटिंग को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी आपका है कि यहाँ पर यही चीज बताई गई है, सी थ्रू सीजन एंड फ्लावर्स। ठीक है, सीजन यहाँ पर जो विंटर सीजन बताया गया है, समर सीजन बताया गया है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताए थे। तो विंटर सीजन हमेशा यहाँ पर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव एनर्जी और द नेगेटिव थॉट्स दैट कम्स इनटू योर माइंड। तो यहाँ पर जब हमारा जायंट है वो अपने फ्रेंड के पास से जब आया था तो उसके अंदर बहुत सारा एंगर था, उसके अंदर बहुत परेशानी थी, उसे वो एक तरह से बहुत सेल्फिश था, ठीक है, और उसके अंदर कोई, उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी सराउंडिंग भी वहां पर विंटर सीजन रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी कि नेगेटिव एनर्जी वहां पर उसके आसपास भी रह रही थी। वंस द चिल्ड्रन केम इनटू द गार्डन, इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई वहां पर आकर आपका जो हेट्रेट है, आपका जो एंगर है, वो दूर करने की कोशिश करता है। तो आपने उन्हें करने देना चाहिए, ना कि उनसे दूर हटना चाहिए। ठीक है, तो आपको वहां पर ये लिखना है फर्स्ट थिंग that if you have anger and hatred inside your heart, the surrounding or the environment around you would also contain those energies, negative energies, and if you have love and happiness in your heart, that is what going to reflect in your surrounding. ये चीज आप शॉर्ट में लिख सकते हो। लॉन्ग में अगर आपको लिखना है तो आपको स्टोरी में से कुछ लाइनें आप निकाल कर लिख सकते हो कि वहां पर विंटर जो था वो साल भर वहां पर रहा, बिकॉज the giant was angry or selfish and because the negative energy was around him, all the garden was covered with negativity. ठीक है, positivity represents here the happiness or the innocence of the children. जो बच्चे वहाँ अंदर गार्डन में आए, उनका जो innocent है, forgiveness, ठीक है, forgiver नहीं होता है, forgiveness होता है, फॉरगिवनेस बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली वो किससे नाराज था, किससे गुस्सा में था, ये चीज स्पेसिफाई नहीं की गई है। तो उसने किसको माफ किया ये आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप फॉरगिवनेस लिखते हो कि उसने माफ कर दिया किसी को, तो या तो उसने खुद को माफ किया होगा, या फिर अगर वो उस ऑर्ग से गुस्सा होगा, जो उसके फ्रेंड था उससे गुस्सा होगा, तो उसको माफ कर दिया होगा। तो ये स्पेसिफाई नहीं किया गया स्टोरी में, तो हम जो चीज नहीं किया गया स्पेसिफाई उसको नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, क्या चीज यहाँ मेंशन की गई है, यहाँ पर मेंशन की गई है कि यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो हेट्रेड है, जो एंगर है जायंट के अंदर, उसकी वजह से उसका जो गार्डन है उसमें भी वहां पर नेगेटिव एनर्जी यानी कि विंटर सीजन रह रहा है हमेशा। ठीक है, और जब वहां पर उस जो बच्चे हैं, जो इनोसेंस है उनका, जो हैप्पीनेस है उनका, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो इनोसेंस यानी कि मासूमियत और खुशी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं जिनकी मासूमियत और खुशी की वजह से वहां पर स्प्रिंग सीजन आया गार्डन में, द जायंट बच्चे, मेन कैरेक्टर इज द जायंट हु वाज अ लिटिल चाइल्ड एंड व्हाई वाज ही इन द जायंट गार्डन। यस, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, मॉरल मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। जो चिल्ड्रन है उनका इनोसेंस जो है उस वजह से वहां पर स्प्रिंग सीजन आया, तब जाके जायंट को रियलाइज हुआ कि उसने अपनी जो नेगेटिविटी है वो अपने गार्डन यानी कि अपने सराउंडिंग में भी उसकी नेगेटिविटी की वजह से ही उस गार्डन में भी नेगेटिविटी फैल रही थी। तो हम तब उसे समझ में आया कि उसे जो हैप्पीनेस मिल रहा है, उसे जो इनोसेंस मिल रहा है बच्चों से, वो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और गार्डन को सेल्फिश ना होकर, अपने पास ना रखकर, सबके साथ शेयर करना चाहिए। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द लिटिल चाइल्ड एंड व्हाई वाज ही इन द जायंट्स गार्डन। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे, जब जो लिटिल चाइल्ड था वो गॉड हिमसेल्फ थे। ठीक है, गॉड खुद वहां पर आए थे उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन कराने के लिए। तो जब पहली बार वो आए थे तो वो उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन कराने आए थे। ठीक है, दूसरी बार जब आए थे तब वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। दैट मींस at the time of his death the god was with him. Jesus Christ लिखो, God लिखो, दोनों सेम चीज। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। The only thing is I am not speaking here कि मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग God लिखें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत बच्चों ने Jesus Christ की स्पेलिंग गलत लिखी है। एग्जाम में। तो मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आपको नहीं पता है तो आप गॉड ही लिखें, ठीक है। अगर एग्जैक्ट नहीं जानते हैं या कंफ्यूज हैं तो ट्राई करिए कि सेफर साइड में रहने का कोशिश करिए। तो सेफ साइड यही है कि आप गॉड को वहां पर लिखें बस, बच्चे की जगह। तो हु वाज द चाइल्ड वाज गॉड, ठीक है। ही केम फर्स्ट, ही केम टू द गार्डन to make the giant realize his mistake that he was very selfish and he should not. Yes, you can only write God, that is enough, ठीक है। Who was the child में आप उतना ही आंसर करोगे कि he was God himself, ठीक है। And he came to the garden. First time he came to the garden to make the giant realize his mistake. Second time he came to the garden to take the giant himself to paradise. नहीं, child is not personified. The God himself came ना। personify का मतलब क्या होता है कि जब आप नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में बताते हैं, ठीक है। तो पर्सोनिफाई करने का मतलब ये होता है कि जैसे पेड़ को बताया गया इंसान की तरह, स्नो को बताया गया वुमेन की तरह, फ्रॉस्ट को बताया गया मैन की तरह, तो वो पर्सोनिफिकेशन हुआ क्योंकि स्नो फ्रॉस्ट लिविंग थिंग नहीं है। लेकिन जो चाइल्ड था, बच्चा जो था, वो तो लिविंग थिंग था, तो वो बच्चे के रूप में वहां पर आए थे, तो वो पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा वहां पर, पर्सोनिफिकेशन आप नहीं लिखेंगे। यस, पर्सोनिफिकेशन रिप्रेजेंट्स कि कोई नॉन लिविंग थिंग है जिसमें जान नहीं है, उसमें हम जान डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग में यही चीज होती है, चाहे आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, चाहे आप कोई पोएम लिख रहे हैं, इसमें आपका रिप्रेजेंटेशन जो होता है नेचर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उसमें जब आपको कोई पर्सन की तरह उसकी फीलिंग्स दिखाते हैं, उसका मतलब उसको एज अ लिविंग थिंग दिखाते हैं, तब उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? अगर किसी के पास लास्ट क्लास जो मैंने सारे क्वेश्चन लिखवाए थे वो हैं तो यहाँ चैट बॉक्स में डाल दो, ताकि जो स्टूडेंट कल क्लास अटेंड नहीं किए थे लास्ट क्लास, उनके पास क्वेश्चन एटलीस्ट रहे, ठीक है। एनी अदर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि आपको आंसर चाहिए उसका? अगर नहीं है तो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, पता नहीं मैंने करवाए थे कि नहीं, पर छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको वन मार्क वन लाइनर्स भी करवाए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने, मेरे ख्याल से मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे कि वेयर वाज द जायंट बिफोर कमिंग टू हिज कैसल, कहाँ था पहले वो अपने फ्रेंड के पास था, ये आंसर आप कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट थिंग आपका यहाँ पर था कि व्हाट डिड ही सी व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज टू हिज कैसल, जब वो अपने घर लौटा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन एंड ही किक देम आउट, मतलब उन्होंने उसने बाहर निकाल दिया बच्चों को और वॉल्स बना दिए अपने गार्डन के आसपास ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताया होगा दैट वेयर डिड द, इफ I didn't tell this question, you can also keep that question. Where did the children go if they were when they were not playing in the garden, when they were not allowed in the garden? Take it. If this question. Okay, we have a lot of questions. Yes, एक question number 1 to 8 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, chat box में डाल दिया है एक बच्चे ने। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। इनके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द जायंट सॉ व्हेन ही केम बैक टू हिज कैसल एंड व्हाट डिड ही डू, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है उस टाइम का जब जो जायंट है, ठीक है, वो आता है और देखता क्या है, जब अपने फ्रेंड के घर से लौटता है अपने खुद के कैसल में, तब वहां पर वो क्या देखता है? तो वो देखता है कि बच्चे जो है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन हिज गार्डन एंड ही बिकेम वेरी फ्यूरियस, ही बिकेम एंग्री and he said that nobody is allowed in my garden, this is my garden and only I will play in this, ठीक है। What did he do? He kicked the children out and he built a wall around the garden so that nobody can enter. Okay, yes, anyone else? Yes, किसी एक बच्चे ने मुझे आंसर भेजा तो था बट मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला बच्चे, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है आपका क्वेश्चन नंबर 7 बता दें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं। व्हाट मेड द जायंट रियलाइज हिज मिस्टेक एंड सेल्फिशनेस, ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट मेड द जायंट रियलाइज हिज मिस्टेक, या फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट मेड द जायंट रियलाइज हिज सेल्फिशनेस। दोनों का आंसर सेम है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि जब उसने देखा कि वो जो छोटा सा बच्चा है वो बहुत जोर जोर से रो रहा है और पेड़ के ऊपर नहीं बैठ पा रहा है, बावजूद इसके कि पेड़ उसकी हेल्प कर रहा था, तो उसे रियलाइज हुआ कि मैंने उन बच्चों की खुशी छीन ली है। इस वजह से क्योंकि मैं भी वहां पर, द जायंट वाज आल्सो एंग्री, सो ही मेड दी happy, and by this he became the selfish person, and he realized his selfishness or his mistake, and he helped the child to climb up the tree. ठीक है, ये चीज आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। Anyone else? अभी भी नहीं समझ में आया तो बोल दो और एक बार रिपीट कर देंगे। Helplessness of the small child. Yes, you can write this also. When he saw the child was helpless, he cannot climb the tree himself. Question number 7 में आपको लिखना है कि कब गलती रियलाइज की जायंट ने, जो जायंट है उसे कब पता चला कि वो खुद बहुत सेल्फिश है और उसने गलती की है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप आंसर कर सकते हो। देखो करना क्या है, हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आप आंसर प्रिपेयर करते हो, जितना ज्यादा आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो उतना ज्यादा लिखिए। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग आंसर टाइप अगर आ गया वो क्वेश्चन तो आपके पास, अगर आपने शॉर्ट आंसर प्रिपेयर किया है तो आप लॉन्ग आंसर बनाने के लिए वहां पर एग्जाम में आपको उतना ध्यान नहीं रहेगा कि आप पूरा उसको शॉर्ट आंसर को लॉन्ग कर सको। लेकिन अगर वो लॉन्ग आंसर टाइप शॉर्ट में आ गया तो उसकी वजह से आपके पास जो इतना लंबा आंसर है उसको आप काट करके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो शॉर्ट करके लिख सकते हो। तो ऑलवेज प्रिपेयर ईच एंड एवरी आंसर एज इफ इट इज अ लॉन्ग टाइप। जितना लंबा हो सके आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं। सोच के चलिए कि कम से कम हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 नंबर का है, जितना आप लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो इन दिस क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू, इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जैसे Why was the giant called selfish? ठीक है, तो इसमें आप बहुत ज्यादा तो क्या लिख सकते हो कि that he didn't let the children play in his garden, right? इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो कि why when he came in his castle he saw the children playing and he kicked them out, he built a wall and that's how he never allowed anyone to come into his garden. इतना ही लिख सकते हो। तो मैक्स टू मैक्स ये आंसर आपका 2 से 3 नंबर का ही जाएगा, इससे ज्यादा का नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जैसे व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ये 6 नंबर का आ सकता है, 7 नंबर का आ सकता है। तो जितना ज्यादा आप इसमें आंसर प्रिपेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे है वेयर वाज द जायंट फॉर 7 ईयर्स, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? ही वाज विद हिज फ्रेंड। उसके अलावा स्टोरी में और कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर आपको क्या होगा, या तो एमसीक्यू में आएगा या फिर वन लाइनर में आएगा। इससे ज्यादा का ये नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं जैसे व्हाई डिड स्प्रिंग डिडंट रिटर्न, व्हाई डिड स्प्रिंग रिटर्न इन द गार्डन, कैसे स्प्रिंग जो है, या फिर हाउ डिड, कैसे जो स्प्रिंग है वो गार्डन में, जायंट के गार्डन में वापस आया। तो इसमें आप पूरा स्पेसिफिकेशन स्टार्टिंग से लिख सकते हैं। दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम द विंटर वाज इन द गार्डन एंड the children saw a small hole and through that small hole they came into the garden and sat on the trees and that's how the spring returned. तो ये एटलीस्ट आपका 3 से 4 नंबर का हो गया। थोड़ा सा और ऐड कर दोगे अपने 1-2 लाइन अपने वर्ड्स में तो आपका 6 नंबर का हो जाएगा। तो यू हैव टू ट्राई टू मेक द आंसर्स एज लॉन्ग एज यू कैन। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट मेड द जायंट रियलाइज हिज मिस्टेक, तो इसमें लंबा अगर करना है आपको आंसर तो पहले आप ये रियलाइज करेंगे कि वो उसको क्यों सेल्फिश कहा गया है और क्या गलती उसने की है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये मेंशन कर सकते हो कि क्यों उसे लगा कि वो मिस्टेक है। तो मिस्टेक पहले मेंशन करोगे, सेल्फिशनेस पहले मेंशन करोगे, दैट ही डिड नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन। 2-4 लाइन और एक्सप्लेन करोगे तो और लंबा हो जाएगा। एक्चुअल आंसर जो इसका रियलाइजेशन का है, व्हेन ही सॉ द चाइल्ड, द स्मॉल टाइनी चाइल्ड crying harshly and not able to climb the tree, not able to play with the tree, then he realized that he has been selfish. ठीक है, next question number 3. 1 minute, question number 3 क्या था? Who were the only happy people when the Singh Din came to the Giant's Garden? Giant का जो garden था उसमें जब spring नहीं आया तो कौन लोग थे जो सबसे happy थे? यहाँ पर देखिए people लिखा गया है इसलिए क्योंकि snow, frost, north wind, hail इन सभी को इंसानों की तरह representation किया गया है. They are personified in a human being. That's why यहाँ पर people लिखा गया है. अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आपका आ सकता है तो हो सकता है कि वहां पर पीपल ना लिखा रहे. ठीक है, मान लीजिए ये यूनिवर्सिटी अगर क्वेश्चन आएगा तो इट इज पॉसिबल दैट वहां पर पीपल ना लिखा रहे. हु वर हैप्पी बिकॉज द स्प्रिंग डिड केम इन द जायंट्स गार्डन. ये भी क्वेश्चन हो सकता है. तो सेम आंसर रहेगा दोनों का कि जायंट के गार्डन में स्प्रिंग ना आने के कारण विंटर के जो भी पर्सन थे, विंटर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग खुश थे. कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव था? द स्नो, द फ्रॉस्ट, द नॉर्थ विंड एंड द हेल. ठीक है, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप हो गया. लॉन्ग आंसर टाइप में क्या लिखोगे? इसमें लिख सकते हो कि स्नो एंड फ्रॉस्ट ने क्या किया. ठीक है, स्नो ने पूरा गार्डन जो है वो स्नो से भर दिया. इट बिकेम वाइट, द ग्राउंड बिकेम वाइट. फ्रॉस्ट कवर द ट्रीज विद सिल्वर, मतलब उसने जो ट्रीज हैं वो सिल्वर से पूरा कवर कर दिया. देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड एंड ही बिकेम द नॉर्थ विंड वाज रैटलिंग अराउंड द कैसल एंड इन द ग्राउंड. देन दे इनवाइट द हेल एंड द हेल ब्रोक ऑल द रूफ्स और द सैटल्स. वहां पर जो भी चीजें हैं वो सारी चीज आप लिख सकते हो एज इट इज मेंशन्ड इन द स्टोरी. और लास्ट में आप कंक्लूजन में ये लिखोगे that the representatives of the winter were the only people happy in when the spring din came into the giant's garden. ठीक है, और representative कौन कौन है ये आप मेंशन कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. नहीं, दिन kept his in his lap. ठीक है, बच्चे को उसने लैप में नहीं रखा था. लैप मतलब गोद में रखना होता है, तो उसने गोद में नहीं रखा था, उसने उठाकर उसे पेड़ के ऊपर रख दिया. ठीक है, क्वेश्चन स्नो ऑन फ्रॉस्ट एंड नॉर्थ विंड एंड द हेल, चारों चीजें मेंशन करनी है. यस, ही ब्रोक द स्लेट. क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कोई. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डिड द जायंट सॉ व्हेन ही केम बैक टू द कैसल एंड ही डिड. अगेन यहाँ पर जब वो वापस लौटा अपने दोस्त के पास से 7 साल बाद, उसने देखा कि बच्चे वहाँ गार्डन में खेल रहे हैं. उससे गुस्सा आ गया क्योंकि वो अपना गार्डन किसी के लिए शायद शेयर नहीं करना चाहता था, और उसने बच्चों को बाहर निकाल दिया और गार्डन के चारों तरफ वॉल्स बना दी. ठीक है, एक्सटेंड इट एज मच एज यू कैन. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग कि जितना लंबा हो सके उतना लंबा आप क्वेश्चन के आंसर को लिखना की कोशिश करिए, क्योंकि आप लंबे आंसर को शॉर्ट कर सकते हैं, छोटे आंसर को बड़ा करने में बहुत दिक्कत होगी. ठीक है, यस. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? स्नो जो है वो फीमेल पर्सन रिप्रेजेंट की गई है. फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड और हेल को मेल पर्सन रिप्रेजेंट किया गया है. इसका अगर प्रूफ चाहिए तो स्नो जो है, स्नो के बारे में लिखा गया है कि उसने अपने क्लॉग से पूरा जो ग्राउंड है उसको व्हाइट पेंट कर दिया, तो वहां पर हर यूज हुआ है जो कि हम फीमेल के लिए प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं. फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड और हेल के लिए ही यूज किया गया है, उसके लिए आप वहां पर स्टोरी में पढ़ सकते हो. इट इज रिटन देयर. एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, नहीं है क्वेश्चन तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं अगर छूट गए हैं तो वो चीजें मैं यहाँ पर देखती हूँ. शॉर्ट आंसर टाइप तो ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्ट आंसर टाइप को आपके पास बहुत सारे मिल जाएंगे क्वेश्चन. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे. यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर है, यस ही वाज टू सेल्फिश, ये ऑटम ने कहा था. ठीक है, तो इसको लेकर आपका ये जो स्टेटमेंट जो लेकर है ये आप आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, या फिर आपका ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि हु सेड दैट ही वाज टू सेल्फिश, और एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि ही इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर ही रिप्रेजेंट कर रहा है जायंट को और ये स्टेटमेंट कहा है ऑटम ने, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर ऑटम को भी फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग को भी फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू कैन रीड द, आप यहाँ पर रीड करोगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा यहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर किसके लिए यूज की जा रही है, ही शी किसके लिए यूज किया जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर और भी चीजें हैं, दैट विल बी यस, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन जो है वो क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं मैंने, वो क्वेश्चंस मैं लिखवा देती हूँ कि व्हाट डिड स्नो एंड फ्रॉस्ट डिड इन द गार्डन, ये क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। What did the giant hear one morning after what happened? हाँ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर मॉर्निंग में, यहाँ पर जब उसने सुना कि वहाँ पर बहुत सुंदर सा म्यूजिक हो रहा था तो उसने क्या किया उसके बाद और क्या सुनाई दिया, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन बताना चाह रही हूँ, what did the snow and the frost did in the गार्डन। ओके, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द स्नो एंड द फ्रॉस्ट डिड इन द जायंट गार्डन। ये स्पेसिफिकेशन आपको मेंशन करना है कि स्नो और फ्रॉस्ट ने जायंट के गार्डन में किया क्या। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में बताया गया है दैट दे वर हैप्पी, ठीक है। फर्स्ट थिंग मेंशन करोगे कि दे वर प्लीज, यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन है आपका। Spring has not forgotten this garden. ये जो है ये स्टेटमेंट में उन दोनों ने कहा, स्नो और फ्रॉस्ट ने, कि स्प्रिंग जो है वो इस गार्डन में आना छोड़ दिया है, अब भूल गया है इस गार्डन में आना, और हम जो है साल भर यहाँ पर ऑल ईयर राउंड वी कैन लिव हियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है द स्नो कवर्ड द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट ब्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल ट्रीज सिल्वर। ये भी लिखना है, अगर आप चाहो तो ये पूरा सेंटेंस एज इट इज भी लिख सकते हो, मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नहीं तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो दैट स्नो जो है दे स्नो कवर्ड द ग्राउंड एंड द ग्राउंड बिकेम वाइट विद द स्नो एंड द फ्रॉस्ट ऑल्सो कवर्ड द ट्रीज विद वाइट क्रिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, दे ऑल्सो इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड। यहाँ तक आपका इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका इतना तक आंसर है। आपको मेंशन करना है कि पहली बात तो वो बहुत खुश हुए, दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्प्रिंग जो है वो यहाँ आने से, यहाँ इस गार्डन में आना भूल गया है तो हम यहाँ पर साल भर रह सकते हैं। तीसरी बात स्नो ने पूरा ग्राउंड जो है वो वाइट कवर कर दिया स्नो से, फ्रॉस्ट ने पूरे ट्रीज को कवर कर दिया वाइट क्रिस्टल से। क्रिस्टल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां पर सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर जो रिप्रेजेंट किया गया है, सिल्वर इसीलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर एक तरह से बर्फ जब जम जाती है पेड़ पर तो वो क्रिस्टल की तरह जमती है, तो उसे हम क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। लास्ट थिंग क्या किया उन्होंने, उन्होंने नॉर्थ विंड को इन्वाइट किया। तो ये पांचों चीजें जो है यू कैन मेंशन दैट इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ वाज द इम्पैक्ट ऑफ लिटिल चाइल्ड ऑन जायंट्स बिहेवियर। यस, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर जो लिटिल चाइल्ड है यानी कि जो गॉड है, जब वो आए थे तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा जायंट के बिहेवियर पर। तो जब वो उसके गार्डन में आए थे तब उसका बिहेवियर देखकर, यानी कि उन्हें रोता हुआ देखकर कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहे हैं, वो खेल नहीं पा रहे हैं, और इस कारण यहाँ पर क्या हुआ कि जायंट जो है उसका he changed the heart of the giant, मतलब हृदय परिवर्तन हुआ उसका। उसे पता चला कि उसने जो गलती की है उसकी, वहां पर उसने वहां पर सेल्फिश हुआ, वो उसे अपना शेयर करना चाहिए था गार्डन, इसकी वजह से उसने सारे बच्चों को भी उदास कर दिया अपने काम से। मतलब यहाँ पर जब उसने शेयर नहीं किया गार्डन, उसकी वजह से बच्चे भी जो हैं वो उदास हो गए थे। तो he has been the selfish one and he has to share the garden with the children. ये रियलाइजेशन था, जायंट का बिहेवियर ऐसे चेंज हुआ कि उसने अपना सब कुछ जो था, जो पूरा गार्डन, जो इतना सुंदर गार्डन था, वो बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड बना दिया हमेशा के लिए। ये चीज यू कैन राइट इट इन दिस क्वेश्चन. हाउ वाज द इम्पैक्ट ऑफ लिटिल चाइल्ड ऑन चाइल्ड बिहेवियर. इतना आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में. ओके नेक्स्ट, व्हाई वाज द चाइल्ड बिकम वेरी एंग्री व्हेन ही सॉ. चाइल्ड नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा बच्चे इस क्वेश्चन में. आपने जो ये क्वेश्चन भेजा है, किसने भेजा है? सिकंदर. यस, आपने जो ये क्वेश्चन भेजा है, ये क्वेश्चन में चाइल्ड नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा, बिकॉज उसने स्पेसिफिकली किसी एक बच्चे से इंटरेक्शन नहीं किया था. उसने सभी बच्चों से गुस्सा था क्योंकि वो उसके गार्डन में आए थे, खेल रहे थे बिना परमिशन के, और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. उससे लगा कि ये उसका गार्डन है, तो वो नहीं, he didn't became angry with him. अच्छा, he became, no, he was not angry with him. ठीक है, हाँ, वो उसके साथ एंग्री नहीं था, वो गुस्सा हुआ क्योंकि उसने देखा जो लिटिल चाइल्ड है, जो छोटा सा बच्चा है. तो यहाँ पर लिटिल चाइल्ड लिखो, चाइल्ड नहीं लिखो, लिटिल चाइल्ड लिखो, सो दैट यू कैन स्पेसिफिकली टेल, क्योंकि उसे वहां पर हमेशा लिटिल चाइल्ड के थ्रू ही रेफर किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में लिटिल चाइल्ड ही आएगा, तभी आपको स्पेसिफिकेशन पता चलेगा. डिफरेंस यहाँ पर पता चलना चाहिए कि जो बच्चे थे बाकी बच्चे और जो, yes, he was wounded, he was not exactly wounded, he had 2 nail marks. Nail marks मतलब कील के वहां पर मार्क्स थे, दोनों पाम में और दोनों पीठ में उनके कील के मार्क्स थे. तो उसे लगा, जायंट को ऐसा लगा कि किसी ने उसे मारा है, इसीलिए वो गुस्सा हो गया कि किसने इतनी जरूरत की कि वो मेरे एक फ्रेंड को, मेरे इतने अच्छे दोस्त को किसी ने मारा है, तो उसने इसीलिए गुस्सा किया. एंड ही वांटेड टू नो हु डिड दैट. तो इसने इसीलिए उसने उस बच्चे से पूछा, उस गॉड है उनसे पूछा कि ये किसने आपके साथ किया है, मुझे बताइए, मैं उसका मैं अपना स्क्वाड लेके उसे ले कर दूंगा. ठीक है, रिप्लाई आपका यही रहेगा. चाइल्ड ने क्या कहा? चाइल्ड ने कहा कि नहीं, दिस इज दी wounds of love. ठीक है, जब उससे पूछा जायंट ने कि ये तुम्हारे साथ किसने किया, मुझे बताओ कि किसने, किसकी इतनी जरूरत हुई कि तुम्हें चोट पहुंचाई, तो वहां पर चाइल्ड का रिप्लाई ये था that these are the wounds of love. ठीक है, नाउ अगर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर चाइल्ड का रिप्लाई क्या था, सिर्फ इतना क्वेश्चन है. अगर ये पूछेगा कि क्यों चाइल्ड ने ऐसा रिप्लाई किया, तो यू कैन टेल मी, you can tell here in the question answer, you can अगर यहाँ पर पूछा जाए कि why did the child reply was that these were the wound of love, तो यहाँ पर why का आंसर ये रहेगा क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने अपना पूरा जो लाइफ है वो जो लोग हैं उनके बेटरमेंट के लिए सैक्रिफाइस किया, तो उनका जो वो पनिशमेंट था वो इसीलिए था ताकि जितने भी लोग हैं उनकी सिंस की सजा वो खुद भुगतें. तो वो लोगों से प्यार करते थे, यहाँ पर जो भी इंसान है उन सबसे प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना वहां पर खुद को सैक्रिफाइस किया इसके बदले कि वो दूसरों को सैक्रिफाइस होने दे. सेम क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पर हाउ डिड द जायंट बिकम्स द चेन पर्सन, ये सेम क्वेश्चन है. हाउ वॉज द इम्पैक्ट ऑफ लिटिल चाइल्ड ऑन जायंट्स बिहेवियर, सेम क्वेश्चन. दोनों ही क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर आप सेम ही लिख सकते हो आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. हाउ डिड द जायंट बिकेम अ चेंज्ड पर्सन इज सेम एज व्हाट इम्पैक्ट डिड द लिटिल चाइल्ड हैव ऑन द जायंट. ठीक है, दोनों का सेम क्वेश्चन है, दोनों का यही What would little child want to say to his friend? He wanted to say, यहाँ पर यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका, What would little child or God want to say through his pain? तो यहाँ पर उनके पेन के लिए उन्होंने क्या कहा था कि these were the wounds of love. इसका मतलब कि he was representing or he was repeating what he believed that he has sacrificed himself for the sins of others so that they can live and create a better world. ठीक है, ये आप आंसर कर सकते हो इसमें. ऑब्जेक्टिव्स में डेट ऑफ बर्थ आई डोंट थिंक सो इट शुड कम, लेकिन अगर ऐसा आता है तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन राइटर के बारे में जान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लेट मी गिव यू दिस इंफॉर्मेशन. मेरे ख्याल से इतना तो नहीं पूछना चाहिए बेसिकली, और इतना सारा क्वेश्चन रहता है उसमें कि आपका चैप्टर्स में ही सारा खत्म हो जाएगा. सो आई डोंट थिंक सो दीज क्वेश्चन अबाउट द पोएट वुड कम, बट अगर आता है तो बेसिकली आप दो चीजें हमेशा याद रखना. अगर डेट वाइज कोई क्वेश्चन आए तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है तो ये दोनों चीजें आप याद रखना. पहला डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों पोएट का, आपको पोएट का, राइटर का, किसी का भी पता होना चाहिए अगर डेट वाइज आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है. और एक चीज, व्हेन वाज द पोएम और द स्टोरी पब्लिश्ड. ठीक है, यानी कि डेट और ईयर ऑफ, डेट और ईयर ऑफ पब्लिकेशन. ये दोनों, ये तीनों डेट्स आपको याद होने चाहिए. यस मैम, अभी जो हम क्वेश्चन पूछे थे कि वो अपने पेन के थ्रू क्या बताना चाहते थे, तो आप बोले थे कि वो बोले थे कि ये जस्ट बून ऑफ लव है. तो इससे पहले जो आप लव पोएम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि जो राइटर था वो हेवन में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका सोल जो था वो डस्ट था. तो आप बताए थे कि गॉड रिप्लाई किए थे कि वो पहले ही सबका सजा ले चुके हैं, जीसस क्राइस्ट जो. तो वो तो नहीं हो सकता है कि हाँ जो तुम पाप किया उसका सजा हम ले चुके हैं, इसलिए उनके हाथ पे किल वगैरह था. हाँ बच्चे, वही बात है. दैट इज द बेसिस ऑफ योर क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी जो है उसका बेसिस यही है कि आप यहाँ पर धरती पर आए हैं उससे पहले ही आपके जितने पाप हैं उसके लिए जीसस क्राइस्ट खुद को सैक्रिफाइस कर चुके हैं. और सैक्रिफाइस इसीलिए किया उन्होंने क्योंकि वो बाकी लोग जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं. दैट इज व्हाई यहाँ पर लिखा गया है वूंड्स ऑफ लव, और वहां पे लिखा गया था कि उन्होंने उनकी सजा के लिए, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए भी, और जितने ह्यूमन बींग्स हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं उनके जितने भी सिंस हैं उनके लिए उन्होंने खुद को सजा दे दी पहले ही. और आप यहाँ पर बॉर्न ही हुए हैं धरती पर ताकि आप उन जो एक तरह से जो एहसान जीसस क्राइस्ट ने आप पे किया है आपके सिंस का पनिशमेंट लेकर, तो उस एहसान को आप उतार सके अच्छे काम करके धरती पर. समझे, ये बेसिक क्रिश्चियनिटी का लॉ है. ठीक है बच्चे, कोई एक बुक नहीं है. आई कैन गिव यू द सिलेबस इफ यू वांट. ठीक है, सिलेबस मैं दे सकती हूँ अगर आप चाहो तो, लेकिन कोई एक बुक नहीं है जहाँ पर आपको सब चीज मिलेगा. यहाँ पर बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके कलेक्शन ऑफ स्टोरीज या कलेक्शन ऑफ पोएम में से एक चीजें निकाली गई है, तो इसीलिए कोई एक स्पेसिफिक बुक मैं नहीं बता सकती हूँ जिससे आपको सारी चीजें मिल जाए. हालांकि आई in whatever class I'm teaching, I have provided all the PDFs for the chapters or poems, whatever I'm teaching. So exam में objective है या subjective है, that depends. अगर COVID का situation यही रहा तो हो सकता है कि objective exams हो, हालांकि मैंने सुना नहीं है कि PP में होता है. Try to be subjective, क्योंकि objective तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे अगर subjective पढ़ा है तो. Yes, I will send the syllabus if you want. ठीक है. He missed the child. ठीक है, वो जो giant है उसने सबसे ज्यादा, हालांकि वो बहुत enjoy करता था बच्चों के साथ खेलना, उनको देख, जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो वो उन्हें देखना भी enjoy करता था, लेकिन सबसे ज्यादा वो उसी little child को miss करता था जिसने उसका heart change किया था. Any more questions? कोई और क्वेश्चन किसी को भी? अगर नहीं है क्वेश्चन तो लेट्स डू वन थिंग, हम यहीं पर अटेंडेंस आपका बना लेते हैं ताकि कोई भी इशू ना हो. मैं सबको अलाउ कर दे रही हूँ अनम्यूट होने का, लेकिन हल्ला मत करिएगा प्लीज. वन बाय वन आई विल कॉल आउट द रोल नंबर एंड देन यू कैन आंसर मी. If you have any specific doubts regarding this chapter and other than this, कौन सा बच्चा? यही क्वेश्चन है ना आपका, whom did the giant miss a year as year went by? बताया तो इसका आंसर कि वो एंजॉय करता था बाकी बच्चों के साथ खेलना, लेकिन उसे सबसे ज्यादा याद उसी छोटे बच्चे की आती थी जिसकी वजह से उसको रियलाइज हुआ था अपना गलती. दैट मीन्स he missed the child who was you can say a face of God or who came as God. अनाउंसमेंट अगर हो गया है कि ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव कैन बी प्रिपेयर्ड लाइक इतने ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको भरोसा भी नहीं होगा. और ये चीज मुझे तब पता चली कि जब मैंने खुद आपको क्वेश्चन पेपर सेट किया था, तब मुझे पता चला कि आई हैव सो मेनी एमसीक्यूज दैट नॉट इवन द नंबर्स आर गेटिंग इनफ. मेरे पास इतने एमसीक्यूज बन गए थे कि मुझे काटने पड़े उसमें से कि कौन सा डालूं कौन सा नहीं डालूं. मैंने इजी डालने की कोशिश की ताकि किसी भी बच्चे को एटलीस्ट पास होने में प्रॉब्लम ना हो. हालांकि वो भी हेल्पफुल नहीं था आपके लिए, बट स्टिल ओके. तो यहाँ पर जितने मेरे ख्याल से जितने भी डाउट हैं आपका रिलेटेड टू द सेल्फिश जायंट वो क्लियर हो गया है. तो यहाँ पर टाइम